अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों आज हम बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती के लेटेस्ट अपडेट्स क्या। तो दोस्तों आज आपकी हो चुकी है 3 अक्टूबर 2019 की, हम बड़ी अपडेट्स लेने वाले हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आज आपकी टुडे ब्रेकिंग न्यूज होगी, ठीक है। तो दोस्तों आज की बड़ी खबरें क्या है, अंतर जनपदीय तबादले में इस बार पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को मिलेगा वेटेज। जी हाँ दोस्तों, जो टीचर भाई पुरस्कार प्राप्त कर चुके हैं उनको इस बार फायदा मिलने वाला है, और 69,000 शिक्षक भर्ती में, ठीक है। कट ऑफ या पासिंग मार्क मामले की सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी। जो बच्चे नहीं जानते उन्हें पता होना चाहिए कि दोस्तों अब आपकी अगली सुनवाई 16 अक्टूबर 2019 से प्रारंभ होगी, ठीक है। और इस वीडियो में दोस्तों कल हम लोग जो डिस्कस कर रहे थे कि आपके जो 10 अंकों का गुणांक होगा और उसमें जो बच्चों की संख्या होगी 10 अंकों में, वो होगी लगभग 24,000 बच्चे। तो कैसे मिलेगी नौकरी, इस वीडियो को शुरू से लेकर आपको अंत तक देखना है। सबसे पहले दोस्तों चलिए बात कर लेते हैं जो पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को मिलेगा वेटेज। सूत्रों के अनुसार शिक्षकों को करीब 1 महीने ऑनलाइन आवेदन का मौका मिलने वाला है। राष्ट्रपति पुरस्कार प्राप्त शिक्षकों को 5 अंक और राज्य पुरस्कार प्राप्त शिक्षक को 3 अंक का वेटेज देने का भी प्रस्ताव है। पुरुष शिक्षकों के लिए न्यूनतम 3 साल और महिला शिक्षक के लिए न्यूनतम 1 साल की सेवा तबादले के लिए अनिवार्य होगी। पहले यह सीमा न्यूनतम 5 और 3 साल की थी, ठीक है। असाध्य रोग से पीड़ित दिव्यांगों, सीमा पर तैनात सैनिक की पत्नी, पति को समय सीमा से मुक्त रखा जाएगा। पति या पत्नी अगर सरकारी सेवा में है तो एक दूसरे के तैनाती स्थल का विकल्प देने पर भी उन्हें वरीयता दी जाएगी, ठीक है। सेवा में वरिष्ठता के अलग से अंक होंगे, ठीक है। दोस्तों ये थी आपकी अपडेट्स। तो कैसे आपका ट्रांसफर होगा अंतर जनपदीय, ठीक है। तो दोस्तों कुछ नियम और कानून, अब चलिए बात करेंगे आज आपकी जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है, सेफ जोन या सेफ उड़ान। देखिए आपका भले सुनवाई बाद में हो लेकिन काफी बच्चों के अंदर डाउट्स आते रहते हैं, तो डाउट्स आपको क्लियर होने चाहिए। तो पहले दोस्तों हम लोगों ने बात की थी कैसे हमने निकाला था कल का पहले डेटा, आपको एक ओवरव्यू देते हैं। तो दोस्तों हमने माना कि 69,000 आपकी टोटल सीट थी, माना क्या तो है ही है। अगर दोस्तों 40-45 के पहले देखिए बात होगी 40 और 45 कट ऑफ जीतने पर, देखिए 60 और 65 में हमें पता है कि 60 और 65 कट ऑफ लागू होती है, तो हर एक बच्चे को नौकरी मिल जाएगी जो बच्चे इस कैटेगरी में पास हो भी हो जाएंगे। जी हाँ दोस्तों, उसमें तो कोई डाउट है नहीं आपको। तो 69,000 में 240-45 का अगर जीत होती है फिर क्या होगा ये समझिए। अगर दोस्तों हमने कल सोचा था कि अगर 30 से 40,000 शिक्षा मित्र पास होंगे, जी हाँ दोस्तों ये सोचा नहीं, ये 100% होने वाला है, कम से कम 30,000, अधिक से अधिक 40,000। तो दोस्तों हमने लिया कि मिनिमम शिक्षा मित्र 30,000 पास होते हैं, ठीक है। 69,000 में से 30,000 सीटें निकल गई, बची 39,000 सीटें। अब 39,000 सीटों में दोस्तों आपको नौकरी मिलनी है जो बच्चे बीटीसी और बीएड के हैं। देखिए शिक्षा मित्रों को जितनी नौकरी पानी थी वो पा चुके हैं, अब बारी आती है बीटीसी और बीएड के बच्चों की। तो ये बच्चे कैसे नौकरी पाएंगे, समझिए इस बात को। देखिए 39,000 में होगा क्या, मान लेते हैं कि 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जिनके 70 से अधिक गुणांक बनेंगे, क्योंकि देखिए 70 से अधिक गुणांक बनना बीटीसी और बीएड में उतना आसान नहीं जितना आसान आप लोग सोच रहे हैं, कि जो बच्चे एकेडमिक बहुत अच्छी मेंटेन करके रखे होंगे पहले से 30 या 30 प्लस, और इस बार 40 या 40 प्लस नंबर लाएंगे, तो उनके 100 नंबर से मतलब 70 नंबर से आपका ऊपर गुणांक बनेगा, ठीक है। तो दोस्तों होता ऐसा है ना कि सभी बच्चों की किस्मत इतनी अच्छी नहीं होती। देखिए दोस्तों यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने अपनी एकेडमिक तो बहुत अच्छी मेंटेन कर रखी है 30 से अधिक नंबर, लेकिन उनके सुपर टेट में 90 और 97 से कम नंबर हो गए। किस्मत की भी बात होती है दोस्तों कि यहाँ अच्छे नंबर थे लेकिन यहाँ कम हो गए, तो दोस्तों वैसे बच्चे भी बाहर हो जाएंगे। तो हमने कल बताया था दोस्तों कम से कम 15,000 बच्चे ऐसे होंगे जो बच्चे आपके मतलब 70 से अधिक गुणांक होगा इन बच्चों का, 70 से प्लस गुणांक जो होंगे बहुत ज्यादा होंगे, तो 15,000 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है। तो एक सर्वे के अनुसार अगर इतने बच्चे दोस्तों होते हैं तो उसके बाद दोस्तों होगा क्या, दोस्तों उसके बाद आपकी 24,000 सीटें लास्ट में शेष बचेंगे, जो हम कल डिस्कशन छोड़े थे यहाँ पर कि 24,000 सीटें बचेंगे, और उसमें दोस्तों 60 से 70 अंक के जिन बच्चों के गुणांक होंगे 60 और 70 के बीच में, तो दोस्तों ये सीटें इसी में डिवाइड हो जाएंगी, मतलब 10 अंक के गुणांक में दोस्तों डिफरेंस कितना होगा 24,000 सीटें, मतलब 10 नंबर में 24,000। अगर जो बच्चों के 70 नंबर आ रहे हैं, पहले दोस्तों कैसे चेकिंग होगी, देखिए यहाँ पर ये मत सोचिए अगर आपके 70 नंबर आ रहे हैं आप जनरल कैटेगरी से आते हैं और एक बच्चा 70 नंबर ला रहा है वो एससी कैटेगरी से आ रहा है, तो सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पर आरक्षण का फायदा मिलेगा। या हो सकता है दोस्तों आप जनरल कैटेगरी से 70 नंबर लाते हो और एक बच्चा एससी कैटेगरी से 65 नंबर ही लाके वो नौकरी पा सकता है, लेकिन जनरल का बच्चा बाहर हो सकता है। ये आरक्षित सीटें होती है जिस पर वही बच्चा नौकरी पा सकता है जिसकी ये सीट रिजर्व होगी। रिजर्व का मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आपका भाई एससी के लिए मान लेते किसी भी जिले में 10 सीटें आई,
तो पहले दोस्तों यहाँ पर वरीयता एससी कैटेगरी के बच्चों को दिया जाएगा। अंतिम राउंड तक दोस्तों मौका दिया जाएगा जब तक सब कुछ ना हो जाए फाइनल। अगर तब भी कोई बच्चा नहीं मिलता या तो फिर दोस्तों ये नियम लाया जाता है कि चलो ठीक है यहाँ पर कोई भी नौकरी पा सकता है, या तो उसकी सीट को रिक्त छोड़कर दोबारा जब अगली बार वैकेंसी आएगी तो वहां पर दोबारा से एससी कैटेगरी के बच्चों को फायदा दिया जाएगा। ठीक है, बहुत से नियम होते हैं, समय समय पर बदलते रहते हैं, तो दोस्तों ये बात आप समझ लिए। तो दोस्तों हम लोग बात कर रहे थे जो 10 अंक में कैसे 24,000 सीटें डिवाइड होंगी। तो यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहली बात तो दोस्तों यहाँ सिंपल सी है कि आप एक बात तो समझ गए होंगे कि 10 बटे अगर आप 24,000 करते हैं, ठीक है, तो आप समझ रहे होंगे जो संख्या है कि बहुत ही छोटी आने वाली है। तो आप ऐसे समझिए एक जीरो से यहाँ से एक जीरो कट गया, तो मतलब एक सीट, ठीक है दोस्तों, मतलब आपका एक नंबर जो होगा, एक नंबर पर आपके 2400 बच्चे नौकरी पाएंगे। मतलब अगर कुछ बच्चे हो सकते हैं कि मान लेते बिल्कुल कम पर ही ले रहे हैं कि जिस बच्चे के 70 अंक का गुणांक है वो कितने अंक पर दोस्तों पाएगा, मतलब 70 अंक के गुणांक जो बच्चे पाए होंगे वो 2400 बच्चे हो सकते हैं, ठीक है, 70 अंक का गुणांक। उसके बाद दोस्तों जो 69 अंक का गुणांक पाएगा वो बच्चा भी 2400 होगा, तो मतलब ऐसे टोटल 10 बार होंगे, ठीक है। उसके बाद दोस्तों आपका आ जाएगा 68 अंक, फिर आ जाएगा 67 अंक, तो मतलब आपका एक गुणांक पर जो लास्ट में आपकी नौकरी मिलेगी 40-45 पर, तो मतलब हर एक नंबर की वैल्यू दोस्तों आपकी कितनी होगी, 2400 बच्चे। तो दोस्तों यही पर आपको फायदा आता है कि जो आपने BTC इंटर हाई स्कूल या कहीं पर आपने एक एक गुणांक का जो होता है ना नंबर नहीं मिले प्रैक्टिकल में या कैसे भी नहीं मिला, तो दोस्तों वो आपको मैटर यहाँ पर करने वाला है। ठीक है, आप समझ गए होंगे कि एक नंबर की वैल्यू हो गई 2400 सीट। जी हाँ दोस्तों, एक नंबर पर 2400 बच्चों को नौकरी मिलेगी। अब सिंपल सी बात है यहाँ पर, और इसको डिवाइड किया जाएगा, ये तो अभी सिंपल सी बात हो रही है। अब कुछ बच्चे होंगे जो 69.2 गुणांक ला रहे होंगे, कुछ बच्चे होंगे जो 68.4 गुणांक ला रहे होंगे, 65.6 गुणांक ला रहे होंगे, तो ये सीट वैसे भी और अंदर डिवाइड होगी, लेकिन एक मोटे मोटे आंकड़े के हिसाब से देखा जाए तो एक नंबर पर 2400 सीटें रहेंगी। मतलब जिसके एक नंबर ज्यादा हो जाएंगे तो उसको नौकरी मिलना आसान हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है दोस्तों, यहाँ पर लॉजिक आप यही लगाएंगे, जो बच्चे के 62 नंबर है और बच्चे के 62.1 है, तो इन दोनों में जिसकी नौकरी पहले मिलेगी वो 62.1 को पहले मिलेगी। ठीक है, इस बात को आप समझ लीजिए। कभी कभी होगा ना जो बहुत ही कम होते, जैसे कभी मान लेते आपके 63.34 है आपके नंबर, और एक बच्चे के दोस्तों ये पर आ रहा है 63.35, ठीक है, एक डिजिट तक तो दोस्तों आप लोग सेम है, लेकिन दूसरी डिजिट जब आती है तो आप बदल जाते हैं, तो मतलब इसमें इस बच्चे को पहले नौकरी दी जाएगी। तो यहाँ पर दोस्तों वही बात हो रही है कि भाई बहुत छोटे छोटे मार्जिन से नौकरी आपको मिलेगी या आपकी नौकरी जाएगी। अब दोस्तों बात एक और आती है, यार नंबर सेम हो गए, देखिए सिंपल सी बात है, आपको समझ में आ रहा होगा यार 10 नंबर पे सबको नौकरी मिलनी है, तो सभी बच्चों के नंबर तो सेम होने ही वाले, मैच हो जाएंगे। तो यहाँ पर फायदा किसको मिलेगा, फायदा दोस्तों उनको मिलेगा जिनकी उम्र ज्यादा है, ठीक है, एज के वरीयता दी जाएगी। कभी कभी होता है दोस्तों कि अगर आपकी उम्र मान लेते 30 साल है, ठीक है, और एक बच्चे की उम्र 25 साल है, तो किसको नौकरी मिलेगी, सिंपल सी बात है 30 साल वाले बच्चे को पहले नौकरी मिलेगी। तो यहाँ पर देखिए बहुत से फैक्टर्स काम करते हैं। कभी कभी दोस्तों बहुत ही रेयर केस में होता है कि आपकी जैसे डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर, ठीक है, 1997, अब दूसरे बच्चे की भी दोस्तों डेट ऑफ बर्थ 16 नवंबर 1997 हो गया, ऐसे कभी होता नहीं, बहुत रेयर केस में होता है। अब दोस्तों नौकरी किसको पहले मिलेगी, तो दोस्तों कभी कभी इसमें ये नियम लागू कर दिया जाता है जिसका नाम, जैसे नाम में वरीयता किया जाता है दोस्तों, अगर आपका नाम एक अब नाम है मान लेते हैं आकाश नाम है, ठीक है, और एक बच्चे का नाम है अजीत कहिए या दोस्तों राज कर दीजिए, ठीक है, एक बच्चे का नाम राज है और एक बच्चे का नाम आकाश है, तो इन दोनों में किसको पहले नौकरी मिलेगी, तो सिंपल सी बात है दोस्तों यहाँ पर आकाश को पहले नौकरी दी जाएगी, राज को नहीं दी जाएगी, क्योंकि इनके नाम में वरीयता कर दिया गया, मतलब ए से स्टार्ट हो रहा है या आर से स्टार्ट हो रहा है। तो बहुत से फैक्टर काम करते हैं कि जब बिल्कुल सब कुछ सेम हो जाएगा तो यहाँ पर नाम का भी आ जाएगा, तो बहुत चीजें हैं दोस्तों कि आपको नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। तो चलिए सेफ जोन को भी डिस्कस कर लेते हैं, जो आज हम लोग पूरा डिस्कशन था हमारा गुणांक या सेफ जोन को लेकर। देखिए दोस्तों सेफ जोन क्या है, अगर आप लोग नौकरी पाना चाहते हैं तो दोस्तों पहले आप समझ गए होंगे कि 60 से 70 नंबर पाने वाले बच्चों को नौकरी है तो मिलने वाली है, आराम से मिलेंगी, लेकिन बस बात यही आती है कि क्या आपको खुद को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी, तो आपके कितने नंबर हैं ये जरूरी करता है। तो दोस्तों देखिए जिन बच्चों के 65 से अधिक गुणांक बन रहे हैं आज की डेट में, तो वो बच्चे ज्यादा सेफ है 65 से कम गुणांक वालों की तुलना में, ठीक है, सिंपल सी बात है। इसलिए दोस्तों ऐसा कहा जा रहा है क्योंकि जो आपका जो आपके पॉइंट्स में नंबर आने वाले हैं तो डाउन तो होगी मेरिट, वो तो श्योर है, उसमें कोई डाउट नहीं कि आपके 65 से कम गुणांक पर आपको नौकरी नहीं मिलेगी, मिलेगी दोस्तों 100% मिलेगी। अगर 65 से अधिक गुणांक पर सबको नौकरी मिलेगी तो मतलब आपका हो जाएगा एक गुणांक पर दोस्तों आपके हो जाएंगे 4800 सीट,
4800 सीटें दोस्तों। देखिए अभी तक हम लोग का एक गुणांक पर 2400 सीटें थी, जब हम उसको 5 पर कर लेंगे तो एक नंबर पर 4800 सीटें होगी। तो दोस्तों वहां पर कंपटीशन और टफ होता जाएगा, मतलब पॉइंट्स में नंबर लाने जरूरी होंगे। जैसे हम लोग गलतियां करते हैं कि एक एक नंबर नहीं होता है। अभी तो देखिए, अभी आप लोग सोच रहे होंगे सुपर टेट से कोई मतलब नहीं है, मतलब दोस्तों आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर एक नंबर से आप लोग सोच रहे होंगे ज्यादा डिफरेंस नहीं बन रहा है। जैसे जो बच्चा 100 नंबर पा रहा है और एक बच्चा 101 नंबर पा रहा है, डेफिनेटली दोस्तों यहाँ पर 101 नंबर वाले बच्चों को फायदा मिलेगा, जब इसका आप 60% निकालते हैं 101 का और 100 का, तो दोनों चेंजेस आपको देखने को पूरे मिलते हैं। क्योंकि यहाँ पर आपने देखा कि जो यहाँ पर बच्चों की संख्या इतनी ज्यादा हो रही है और सीटें भी ढेर सारी हैं, तो मतलब सिंपल सी बात है दोस्तों कि आपका एक एक पॉइंट्स का नंबर भी बहुत ही वैलिड होने वाला है शिक्षक भर्ती में। तो आपने कहीं भी गलती की होगी तो दोस्तों उसका अफसोस आज जरूर करेंगे आप। तो दोस्तों ठीक है, मेन बात हमारा ये था मुद्दा यहाँ समझाने का कि आप लोग अभी होप मत छोड़िए, आशा मत छोड़िए कि अगर 40-45 कट ऑफ लग जाती है तो आपके साथ क्या होगा। तो आपके दोस्तों रास्ते ओपन है, बस इतना अंतर आ जाएगा कि जो बच्चे 60-65 पर 60 गुणांक पाकर भी नौकरी पा सकते हैं, और वही बच्चे 240-45 पर 60 गुणांक पाकर नौकरी नहीं पा पाएंगे, बस इतना ही अंतर रहेगा दोस्तों। और ये बात नहीं, जो बच्चों के गुणांक ठीक बन रहे हैं, 65 से ऊपर बन रहे हैं दोस्तों आज की डेट में भी, तो बच्चे अभी पूरे मतलब पूरी शिक्षक भर्ती में पूरी तरीके से, मतलब समझ लीजिए जैसे गेम होता है, तो गेम इज ऑन, गेम समाप्त नहीं हुआ, गेम चल रहा है। अगर आपके 65 से अधिक नंबर हैं तो आप तो सुरक्षित हैं, अगर 65 से कम है तो मतलब 50-50 चांस रहेगा। और दोस्तों देखिए, चांस आपका 60 गुणांक पर भी है, बस डिपेंड्स करेगा कि आप किस कैटेगरी से आते हैं। आरक्षित वर्ग आपकी कौन सी दोस्तों, आरक्षण श्रेणी क्या है, ठीक है ये सब आप समझेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी। अगर आप जनरल कैटेगरी से आते तो ज्यादा उम्मीद मत लगाइएगा, अदर कैटेगरी से तो दोस्तों उम्मीदें आपकी ज्यादा है। 60 से कम गुणांक पर भी दोस्तों आपका चांस तब बनेगा जब आप जनरल छोड़ किसी और कैटेगरी से आते हैं। तो दोस्तों बाकी के अपडेट्स अगली वीडियो में मिलेंगे, फिलहाल आज तो यही थी बात की टुडे ब्रेकिंग न्यूज की, जो आपके अंतर जनपदीय तबादले में इस बार पुरस्कार प्राप्त टीचरों को मिलेगा वेटेज, ठीक है। और आपकी सुनवाई अब 16 अक्टूबर को होगी, और सेफ जोन और सेफ गुणा की पार्ट 3 दोस्तों जल्दी आपको देखने को मिलेगी। और दोस्तों इसको और एनालाइज किया जाएगा कि जो ये 24,000 बच्चे होंगे वो क्या मतलब कितने अंक पर दोस्तों बिल्कुल डिवाइड किया जाएगा दोस्तों, मतलब प्रोबेबिलिटी नहीं होती है, जैसे दोस्तों 65.47, क्या इसको नौकरी मिलेगी या नहीं, तो इस पर दोस्तों अगली वीडियो में आपको पूरी डीपली जानकारी मिलेगी। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।